उत्साह हम लोग भी करते हैं। कल चले जाएंगे आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका सीमा है, आइएगा नहीं आइएगा, उसका विरोध हमें हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए हमको एक तरफ का दिया और विधायक जी का दिए तो विरोध हम उसका नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे कि 5 अभी 3 लाख रुपया दिया, फिर 2 लाख रुपया हमको वहाँ मंदिर में दे रहा, विरोध लिखे। 65 लाख रुपया बकाया है रेलवे का, उठा के आप लड़िए उससे। 65 लाख रुपया बकाया है रेलवे का, जिस काम को आपने भी रोका था। और यहाँ गाँव में मिली 3 लाख रुपया में रोक दिया गया। मेरा 65 लाख रुपया बकाया है हमारे ग्रामीण का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव और मैं हूँ आपके साथ में नेहा। चतरा के चंडवा में निर्माणाधीन शिवपुर कटौतिया रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में जुटे राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ तालाब के गहरीकरण को लेकर हुए कहासुनी हो गई, जिसके बाद सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल बुकरू गांव के नीमिया आहार तालाब के गहरीकरण को लेकर राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मिट्टी का उठाव किया जा रहा है। इसी को लेकर सिमरिया विधायक को शिकायत मिली थी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा मनमाने तरीके से तालाब के गहरीकरण के नाम पर तालाब को 40-50 फीट गहरा किया जा रहा है। इसी को लेकर विधायक और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर अविनाश कुमार के बीच फोन पर ही काफी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विधायक अगले दिन खुद अपने समर्थकों के साथ बुकरू गाँव में तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ग्रामीणों और विधायक के बीच जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक ग्रामीणों को यह कहते हुए दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के द्वारा आपके विधायक का अपमान किया गया है। इसको लेकर आप सभी ग्रामीण जिला प्रशासन को एक लिखित आवेदन दीजिए कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा हमारे माननीय के मान प्रतिष्ठा का हनन किया गया है। इसी बात पर एक ग्रामीण भड़क उठा और कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल अगर आपको कोई और पदाधिकारी अपमानित करेगा तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, ना कि आम जनता होगी। मामले को लेकर जब ग्रामीणों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि विधायक अपने निजी स्वार्थ को लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ बहस किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के गहरीकरण को लेकर हम सभी ग्रामीणों ने सहमति बनाकर रेलवे निर्माण कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिट्टी उठाने के लिए अनुरोध किया है, जिसके बाद कंपनी के द्वारा तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इसी नीमिया आहार तालाब के गहरीकरण को लेकर हम ग्रामीण विधायक के समक्ष गए हुए थे, लेकिन विधायक झूठा आश्वासन देकर हम लोगों को छलने का काम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक और उनके लोगों ने तालाब के गहरीकरण के नाम पर पैसे भी ठग लिए। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के गहरीकरण हो जाने के बाद आसपास के करीब 200 एकड़ से भी अधिक भूमि भीषण गर्मी में भी सिंचित हो पाएगा। वहीं विधायक ने कंपनी के मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि मुझे जो शिकायत मिली थी उसके आधार पर हमने तो मैनेजर से सीढ़ी निर्माण का बात किया था, लेकिन इसे कुछ और ही बताया जा रहा है। ये जो तालाब बुकरू नीमिया आहार बुकरू में जो खुदाई का कार्य हो रहा है वो हम लोग जो हैं सो अपने पूरे ग्रामीण मिलकर सहमति बनाकर रेलवे ठेकेदार से आग्रह किए कि से किसी तरह से इस तालाब का गहरीकरण हो जाए, जिससे 200 एकड़ हम ग्रामीण किसान का फसल, हाँ ग्रामीण फसल का माने लाभान्वित हो जाए। दूसरा में है कि इसमें आज तक कोई सरकारी काम आज तक हुआ नहीं। इसमें हम लोग कई नेताओं के पास, विधायक सांसद के पास गए, कहे, लेकिन आज तक 50 वर्ष हो गया, आज तक कोई सरकारी काम इसमें नहीं हुआ। हम लोग इस नीमिया आहार के प्रयास में चतरा चंडवा कई सरकारी विभाग दफ्तर में दौड़ते रह गए, खटखटाते रह गए, लेकिन आज तक किसी तरह का कार्य कोई विभागीय नहीं हुआ। तो आज रेलवे लाइन आने से हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि चलिए 2 काम हम लोग के सामने हो जाएगा। रेलवे का भी फायदा हो जाएगा और हमारा तालाब का भी फायदा हो जाएगा। हम लोग रेलवे विभाग के ठेकेदार से आग्रह किए हम सब ग्रामीण कि कम से कम इस तालाब का गहरीकरण आप लोग कर दीजिए। हम लोग को कोई उससे, हम लोग जितने भी हैं आज 200 एकड़ इसमें सिंचित है और एक पानी के चलते कभी दो पानी के चलते मर जाता है। विधायक के साथ यही हुआ कि से एक दो आदमी अपने निजी स्वार्थ में विधायक के पास गए और कह दिए कि से तालाब जो है सो 50 फीट गड्ढा हो गया। विधायक जी आओ न बताओ आके रेलवे के कोई स्टाफ से बोले। आज हम लोग इस तालाब से इतना खुशी में है कि आज गर्म अभी जेठ महीना में अभी भी पानी कहीं कहीं किसी को ज़रूरत हो रहा है तो ले जा रहे हैं और उससे लाभान्वित उठा रहे हैं। अगला सीजन में ये 200 एकड़ के बीच में कम से कम 50 एकड़ में तो जरूर गर्मा फसल लगल रहेगा जो पूरे ग्रामीण को एगो मिसाल बुकरू का देगा इस तालाब से। आज तो हम लोग की खुशी से हुआ है। कहने का माने है कि विधायक जी ये जो गहरीकरण जो जांच करने आए थे विधायक जी एक अगला के कहने पर, लेकिन इसके पूर्व में हम उनके पास गए जब बात हुआ तो कहीं की घूस लगेगा, 1 लाख रुपया कम से कम लगेगा, आप लोग दीजिए तो हम करवा दे रहे हैं गहरीकरण या जो भी काम होगा हम कराएंगे। पैसा छाछन था, पानी का हड़ताल था, पूरा दोहरान मौसमायत बना हुआ है। तो अब बताइए तो क्या करें। तो रेलवे लाइन के विभाग से बात किए तो टच किए तब तो खैर किसी हाल से वो तो महानता था हम उनको देंगे कि बेचारे कहाँ से ला के हम जहरीकरण कर दिए और पानी निकाल दिए। ये खुशी है जन पूरे ग्रामीण को और वो पैसा लेके माने हम लोग को फंसा दिए। 1 लाख रुपया साल भर बैठा, उसके बाद कल 10,000 जय साहब को दिलवाए, उसके बाद में है कि माने जाके काम नहीं हुआ, दांत बिदोर के चले गए। तो अब विधायक जी लाके यहाँ टांग अड़ा दिए। सबसे पहली बात है जो गाली क्लोज का उन्होंने आरोप लगाया है यह सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि हमने आज तक किसी को गाली दिया नहीं, मेरे स्वभाव में भी नहीं। और जहाँ तक धमकी का बात है, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर रेलवे का काम कर रहे हैं और ना ही माननीय सांसद के द्वारा ना ही मेरे द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आज तक किसी भी प्रकार का हम लोग निर्देश भी देने का काम नहीं किया। ये आप सबको पता है माननीय मोदी जी के द्वारा देश के कोने में रेलवे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है और हम सब जनप्रतिनिधि खुश हैं कि मेरे यहाँ रेलवे का काम हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द रेलवे का काम पूरा हो ताकि चतरा वासियों का लंबे समय से जो सपना है रेलवे का वह पूरा हो सके। और अभी क्या है कि मेरे यहाँ बुकरू में एक तालाब है जिसका गहराई लगभग 40 फीट कर दिया है और अगर स्टेप बाय स्टेप मिट्टी का कटाव होता तो कोई जानवर या अगर आदमी उतरते तो स्टेप से वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन बिल्कुल सीधा काट दिया गया है। कोई भी जानवर कोई भी आदमी अगर उसमें गिर जाए गलती से उसकी मौत हो सकती है। और इसी कारण से हम कल जानने के ख्याल से उनको फ़ोन किया जो शायद इंचार्ज थे, है ना। और हम चाहते थे कि राजा कंस्ट्रक्शन के द्वारा वहाँ सीढ़ी बना दिया जाए ताकि जान माल बचा हो सके, लेकिन उसके जो शायद इंचार्ज थे उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अमानवीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसको मैंने डीसी और एसपी को लिख के दिया है कि तालाब का जांच करें और शब्द का प्रयोग करने वाले जो भी उसके साथ इंचार्ज थे उन पर कार्रवाई हो। इस तालाब से आई तो हम लोग की खुशी से हुआ है। हम लोग ग्रामीण करवाए उसको, विधायक के साथ हुआ वही निजी स्वार्थ में। उनका भी निजी स्वार्थ नहीं, सदा इधर जो है सो ग्रामीण का भी एक दूसरे को निजी स्वार्थ नहीं सदा उसमें सिर्फ ही निजी स्वार्थ के चलते इतना विवाद खड़ा हुआ। तालाब जो है सो एक दिन का है, ये तालाब आज 2 महीना से कट रहा था। अगर गहरीयकरण हो रहा था तो इसमें तो साफ झलकता है कि इसे 2 महीना के दरमियान कोई आदमी किसी तरह का ठेकेदार के पास नहीं बोलने के लिए आया या कहीं पदाधिकारी के पास गया कि गहरीकरण हो रहा है। लेकिन जब गहरीकरण हो गया तब ये खास इसलिए दिया जा रहा है कि इसे इसमें जो है सो उनका निजी स्वार्थ नहीं सधा। हाँ, हम लोग को जनता के सहमति से या किसान के सहमति से ये तालाब का गहरीकरण हुआ है। हमारे जमीन में मात्र 2 ही तालाब था। एक तालाब तो रेलवे द्वारा भरा दिया गया, मात्र एक तालाब बचा। इसमें लगभग 2 से एकड़ जमीन इससे अधिकृत होगा या इससे सिंचाई होगा, इससे उत्तम किस्म के फसल उगेंगे और लोग बहुत खुश है। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, जबकि ये कार्य 2 महीने से चल रहा है। जब शुरुआत में जब चालू था तो उसमें रोकना चाहिए या आके बोलना चाहिए कि ज़्यादा गड्ढा है या फिर इसमें ये चीज़ कमी है। तो उसमें लोग कहाँ था, जब कंप्लीट हो गया तब लोग दौड़ा लगा रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं वरीय पदाधिकारी को और इसके जांच के विषय बना दिए हैं, जबकि 2 दिनों का कार्य बचा हुआ है। हम उनसे उनसे आग्रह करेंगे जो भी प्रतिनिधि आए हैं कि इनको करवा दें। हर ज़्यादा उनको दया है, इसमें सीढ़ी और चारों तरफ जाली लगवा दें। इसमें विधायक जी से पहले लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे हम लोग कि पानी की हम लोग को बहुत किल्लत है या किसान आजकल देख ही रहे हैं मौसम का क्या हाल है, धान की भी खेती नहीं हो पाता है बारिश के मौसम में। तो हम लोग सोचे कि अगर गहरीकरण हो जाता, लोग दौड़ा लगाए, बहुत बार कागज पत्तर इधर हुआ, कुछ मामला बीच में फंस गया और अभी तक कार्य पेंडिंग में है, हुआ नहीं। तो अंतिम में हम लोग अपने से गुहार लगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।